एक सेकंड, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहा है तू? हाँ रांची जी अभी नहीं पढ़ रहा है क्योंकि नया जिला की तैयारी की। स्टेट गवर्नमेंट ने काट दिया है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए ना चीज, तो अभी वो वाला डेटा पूछेगा भी नहीं। अब वो समझ दो क्या कांची जिला वाला खत्म था, वहां पर सिर्फ डेटा भी नए जिलों की फॉर्मेशन के साथ उसका समझौता नहीं। क्या देख लिया था, परिचय सामान्य भी परिचय है राज्य का वो देख लिया है ना। आज हम लोग जीके में जीके वाला पढ़ा दू नहीं पढ़ा, मंदिरों की नगरी रंग द्वारा तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शासन से चालू करते हैं। ठीक, शासन व्यवस्था में क्या क्या चीजें शासन प्रशासन है ना, इस पर क्या जिकेज है प्रथम द्वार है ये सब। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन, पहला सीएम कौन था छत्तीसगढ़ का, अग्रवाल था, अजीत जो भी है ना, अजीत प्रमोद कुमार जो भी थे वो छत्तीसगढ़ के प्रथम क्या थे आपके मुख्यमंत्री है ना। अब देखो 1 नवंबर 2000 को जब राज्य बना है ना, क्योंकि उस समय शासन था किसका आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आईएनसी का शासन था। अब मध्य प्रदेश में चूंकि आईएनसी की सत्ता थी तो इसलिए और यहाँ पर जो सीट आए है ना, जितनी भी सीटें आई विधानसभा की उनमें बहुमत भी किसका था, कांग्रेस का था, किसका था, कांग्रेस का था। इसलिए यहाँ पर जो क्या बोलते हैं जिस सत्ता जिसकी आई वो आई किसकी, कांग्रेस की आई। अब कांग्रेस की आई तो अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अजीत जोगी मुख्यमंत्री कैसे बने, तो अजीत जोगी का मुख्यमंत्री बनना आपका शासन या संविधान के अंतर्गत कैसे, वो तो विधायक नहीं थे जब
अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने तब वो छत्तीसगढ़ या कहीं से भी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थे, एमएलए नहीं थे वो, है ना। तो एमएलए नहीं थे तो कैसे बनेंगे मुख्यमंत्री। तो हमको पता है कि संविधान में व्यवस्था की गई है कि कोई भी सदस्य विधायिका का, है ना, सदस्य अगर नहीं है और वह मंत्री बनना चाहता है ना, यानी किसका हिस्सा, कार्यपालिका का हिस्सा बनना चाहता है ना, तो उसे तो क्या कर सकता है, उसको 6 महीने का समय दिया गया है, 6 महीने के अंतर्गत जैसे चुनाव होंगे, क्या होंगे, 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे, फिर उसके बाद अगर वो जीत गया है ना, अगर किसका सदस्य बन गया, व्यवस्थापिका का, है ना, पता है ना, किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए आवश्यक, कार्यपालिका सदस्य होने के लिए किसकी आवश्यकता है, विधायिका की सदस्यता, व्यवस्थापिका या विधायिका की सदस्यता होना आवश्यक है, ठीक, इसको कार्यपालिका सदस्य होने के लिए, है ना। तो अगर आपको कार्यपालिका का सदस्य होना तो व्यवस्थापिका का सदस्य होना पड़ेगा, जबकि आपके अजीत जोगी जो थे वो सदस्य थे क्या उस समय, नहीं थे, व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं थे, तो व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं थे तो कार्यपालिका के सदस्य कैसे बन जाएंगे। तो उसके लिए संविधान में बोला गया है कि ठीक है आप कार्यपालिका में चले जाएंगे, लेकिन आपको कितने महीने के अंदर व्यवस्थापिका के सदस्य बनना पड़ेगा, 6 माह के अंदर किसका सदस्य बनना पड़ेगा, व्यवस्थापिका का सदस्य बनना पड़ेगा, विधायिका का मारवाही विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा, है ना, उनके सीट खाली की गई, है ना, और सीट खाली उनके लिए किया गया तब जाके वो क्या बनते हैं छत्तीसगढ़ के विधायिका की सदस्यता ग्रहण करते हैं, ठीक। अब जो नया राज्य बनता है उसमें शेष कार्यकाल तक क्या होता है आपका, शेष कार्यकाल के लिए क्या बनता है जी, आपका सरकार बनती है, तो 3 साल के लिए सरकार बनी किसकी, अजीत जोगी, 2000 से 2003, 2003 के बाद क्या बीजेपी सत्ता में आती है, है ना, और उसके बाद कौन बनते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री रमन सिंह बनते हैं, है ना, ठीक, क्लियर है, हो गया ना। अगर बात की जाए, हेलो, हाँ आपको लिंक भेजे हैं ना दोस्तों, उसको क्लिक करो और छत्तीसगढ़ वाला बैच में कर दो, ठीक, इकोनॉमिक जो 10 से 11 चलता है ना उसी में ही चल रहा है ना, आप देख लो उसमें आपको दिखाएंगे, और छत्तीसगढ़ जो है 9 9 15 10 क्लिक करो, ठीक। तो मारवाही से विधायक बन के आते हैं आपके पास, अजीत जो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, है ना, अब इसके बाद देखिए मुख्यमंत्री बन गया, अब जो छत्तीसगढ़ का पहला मंत्रिमंडल, अब ये तो हो गए छत्तीसगढ़ के प्रथम, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री, समझ में आ रहा है बात, मध्य प्रदेश जब राज्य था, है ना, छत्तीसगढ़ भी इसके अंदर था, तो यहाँ के कौन सा व्यक्ति था जो कहाँ मुख्यमंत्री बना, मध्य प्रदेश में जाकर मुख्यमंत्री बना, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, ठीक, कौन था, पंडित रविशंकर शुक्ल, ये कौन थे, एमपी के, है ना, छत्तीसगढ़ से कहां मध्य प्रदेश में क्या प्रथम क्या सीएम कौन है, पंडित रविशंकर शुक्ल, क्लियर, क्लियर है ना, यहां तक समझ में आया बात, अब देखो
छत्तीसगढ़ का जो प्रथम मंत्रिमंडल बना उसमें से तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले क्या आपके होम मिनिस्टर कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, ठीक है ना, सीजीआई कौन आपके, हाँ सीजीआई कौन थे, ये सब प्रशासन में आ जाए। तो छत्तीसगढ़ के पहले गृह मंत्री होम मिनिस्टर थे नंद कुमार पटेल, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल, हिरणघाट की हमले में उनकी मृत्यु हुई थी, देहांत हुआ था, पता है ना आपको, इनका नंद कुमार पटेल का, तो स्वर्गीय नंद कुमार पटेल का थे आपके ठीक। अब अगर बात की जाए किसकी, फाइनेंस मिनिस्टर को पूछेगा तुम, है ना, कि वाणिज्य मंत्री कौन थे, कौन से वाणिज्य, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे कौन, रामचंद्र सिंहदेव, कौन, रामचंद्र सिंहदेव, ये क्या थे छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री थे, है ना, क्या थे, वित्त मंत्री थे, कौन, रामचंद्र सिंहदेव, क्लियर। अब देखो फिर ये तो हो गया मैक्सिमम क्वेश्चन, तो यही पूछेगा शिक्षा मंत्री भी लिखी लो, छत्तीसगढ़ के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे कौन थे, सत्यनारायण शर्मा, ये क्या थे पहले आपके शिक्षा मंत्री, और आपके सत्यनारायण शर्मा, हो गया जी। अब देखो मैक्सिमम तुमको क्वेश्चन जो पूछेगा इतना ही पूछेगा, है ना, प्रथम मंत्रिमंडल छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल से जो पॉसिबल है ना, इसके अलावा तो तुमको ये पूछ सकता महिला मंत्री, महिला छत्तीसगढ़ की पहली महिला मंत्री कौन है, हेमंत कोरते, ठीक ठीक, छत्तीसगढ़ की पहली महिला मंत्री कौन है, अच्छा सॉरी ये उल्टा हो गया ना, छत्तीसगढ़ में पहली महिला मंत्री गीता देवी, ये तो हेमंत कोरते ने महिला बात का, कौन महिला बात, महिला बात का कौन है, ये क्या है आपके महिला बात का, छत्तीसगढ़ की पहली महिला मंत्री, छत्तीसगढ़ की पहली महिला मंत्री जो है वो गीता देवी, छत्तीसगढ़ की पहली महिला मंत्री गीता देवी, छत्तीसगढ़ से कहां मध्य प्रदेश की पहली महिला मंत्री एमपी की बात की जाए तो वो कौन है आपके पद्मावती, कौन है पद्मावती देवी, खैरागढ़ रियासत के राजा कौन है, वीरेंद्र बहादुर सिंह, ठीक, खैरागढ़ रियासत की 24वें राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह की पत्नी है ना पद्मावती देवी हैं, कुछ मध्य प्रदेश की पहली महिला मंत्री, ये आते छत्तीसगढ़ के लोग हैं, कहां से हैं ये, छत्तीसगढ़ से हैं, लेकिन कहां मुख्यमंत्री क्या मंत्री बने हैं, मध्य प्रदेश, ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद शासन हो गया ना, अगर हम विधायिका की बात की जाए, विधायिका की स्थितियां क्या है तो ये देखते हैं कि प्रथम प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर क्या आपका प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर में समस्या किसको बोलते हैं, देखो क्या होता है जब भी कोई नई है ना सरकार, नई
नई विधायिका गठन होता है, उसको ऐसा समझिए नई विधायिका गठन, जैसे चुनाव हुए, चुनाव के बाद नए एमएलए चुन के आए, एमपी चुन के आए, है ना, विधायक के सांसद चुन के आए। अब उन चुन के आने के बाद क्या होता है, उनको शपथ दिलाना। अब जबकि जो पुराना वाला है वो तो गया, पुराना जो स्पीकर रहता है वो तो चला गया, अब नए जब आते हैं तो नए वालों में से स्पीकर चुनेंगे आप, लेकिन अब जब उसको शपथ ही नहीं दिलाओगे तो कैसे चुन लोगे। तो क्या करते हैं, जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है, वरिष्ठतम इन द सेंस की उम्र नहीं, उसकी आयु नहीं, उसका कार्यकाल, कि वो कितने बार क्या चुन के आया है, उस विधायिका व्यवस्थापिका का क्या रहा है, सदस्य रहा है, इस आधार पर क्या किया जाता है आपका, उसको प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। तो जो विधायिका का वरिष्ठतम सदस्य होता है उस समय जो चुन के आया है उसको क्या बनाते हैं आप, प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर क्या कराते हैं आपको, शपथ दिलाते हैं। ठीक, हाँ, जैसे ही स्पीकर ने केवल क्यों, जी बीच में अटक रहा था सर थोड़ा सा। हाँ, वो अटक रहा था क्योंकि नेटवर्क दूसरा लगा हुआ था, अब हमने ठीक कर दिया। जी जी सर, प्रोटेम स्पीकर कौन है, महेंद्र बहादुर छत्तीसगढ़। अब विधायिका के पास चल रहा है ना, ये शासन हो गया, ठीक, सरकार वाला जो प्रथम थे वो लिखे, ये सब प्रथम प्रथम है ना। अब आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम, क्या विधानसभा अध्यक्ष, ठीक, ये अलग का चल रहा है, विधायिका व्यवस्थापिका का चल रहा है ना, विधायिका में प्रथम कौन है, ये क्या था, व्यवस्थापिका का था, इसका था व्यवस्थापिका, ठीक, शासन सत्ता के तीन है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीन होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे छत्तीसगढ़ के, था राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ना, ठीक, ध्यान रखें, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। अब देखो तुमको पता है कि संविधान सभा जो थी छत्तीसगढ़ की, संविधान भारत की संविधान सभा, जिसने संविधान निर्मात्री सभा जो उसको कहते हैं, जिस संविधान का निर्माण किया, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, संविधान निर्मात्री सभा के, उसी से कनेक्ट करके रखना, छत्तीसगढ़ की विधानसभा के कौन अध्यक्ष रहेंगे, पहले राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से आते, वो ध्यान रखना, जो भारत के क्या बनते हैं, प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, वो अलग, क्लियर है, अच्छा ये क्लियर हुआ यहाँ तक आपको, प्रथम प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक। अब आते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष, ठीक, उपाध्यक्ष जो बने वो बनवारी लाल अग्रवाल, पहले परंपरा ये थी कि अध्यक्ष हमेशा सत्ता दल का, सत्तारूढ़ दल का, और अब
हमेशा जो उपाध्यक्ष होता था विपक्ष को बनाया जाता था। आज ऐसी परंपरा नहीं है, पहले वैसे होता था कि सत्ता पक्ष से अध्यक्ष और विपक्ष से उपाध्यक्ष बनता। ठीक, फिर नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष जिसको बोलते थे, नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष जो थे वो थे आपके नंद कुमार साहब। नेता प्रतिपक्ष इसलिए बोला जाता है क्योंकि विपक्ष में जितनी भी पार्टियां होती हैं उन सब के वो प्रमुख होते हैं, इसलिए बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष। ये और कौन है? नंद कुमार साहब। ठीक, बीजेपी से आता नहीं अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक, ये अनुसूचित जनजाति मंत्री भी रहे हैं, है ना, आदिम जाति की बात करें। ओके जी, अब ये तो हो गया खत्म भैया कहां का विधायिका, स्टेट का। ठीक, अब केंद्रीय विधायिका में क्या क्या हिस्सा रहा देखते। केंद्रीय विधायिका में सांसद, ठीक, तो छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद, ये कौन है आपकी? ठीक, कौन है? मेरी माता। क्लियर, छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक बार सांसद, सर्वाधिक बार कौन है? कितने बार? 9 बार रहे विद्याचरण सांसद। ठीक हो गया। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व जो मध्य प्रदेश में क्या रहे हैं, आपके विधानसभा अध्यक्ष रहे, तो मथुरा प्रसाद दुबे। ठीक, कौन? विधानसभा क्या थी? अध्यक्ष एमपी विधानसभा पर मथुरा प्रसाद। ठीक, क्लियर है, मथुरा प्रसाद यादव है। मुख्यमंत्री अजीत जोगी, छत्तीसगढ़ से मंत्री मुख्यमंत्री रवि शंकर। ठीक, फिर होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री नंद कुमार पटेल, वित्त मंत्री रामचंद्र सिंह, महिला बाल विकास मंत्री हेमंत कोते। ठीक, महिला मंत्री गीता देवी सिंह। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से क्या महिला मंत्री पद्मावती देवी। ठीक, व्यवस्थापिका में आ जाते हैं आप, व्यवस्थापिका की बात करें तो पहले प्रोटेक्ट कौन थे आपके? महेंद्र बाबू सिंह। उसके बाद बात करेंगे कई अध्यक्ष कौन थे विधानसभा, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। ठीक, फिर अगर बात करें उपाध्यक्ष की तो बनवारी लाल अग्रवाल। ठीक, अगर बात करें किसकी, प्रतिपक्ष की, नेता विपक्ष जिसको बोलते हैं, तो नंद कुमार साय। महिला सांसद मिनी मानता, सर्वाधिक बार सांसद चरण शुक्ल, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष मथुरा प्रसाद। क्लियर हो गया, तो हमने देख लिया आपका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपने प्रथम कौन कौन से, है ना। अब हम देखेंगे इसका न्यायपालिका, न्यायपालिका में प्रथम कौन कौन, न्यायपालिका, है ना, न्यायपालिका। अच्छा, हम एक चीज भूल रहे हैं, आपको पता है व्यवस्थापिका जो होती है ना, यानी विधायिका, उसमें हमने ये तो देख लिया कि विधानसभा, लेकिन इसका अंत कौन होता है? है ना, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन साय, वो आईएएस रहे, आईपीएस रहे, और दिनेश नंदन साय क्या थे आपके छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल। हो गया,
जिस तरह ये हम कंप्लीट कर विधायिका, है ना। विधायिका के बाद अगर आते हैं हम इस पर न्यायपालिका, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम न्यायाधीश सीजीआई चीफ जस्टिस सीजीसी आर एस गर्ग, प्रथम चीफ जस्टिस और प्रथम कार्यवाहक, क्या हुआ जब छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ उसके दूसरे दिन उनको पहुंचना था डब्ल्यू एस शशांक का नहीं पहुंचे भैया जुडिशरी को तो काम करना है, न्यायपालिका की स्थापना हो गई है, उद्घाटन हो चुका है, कार्य चालू करना है, और पहुंचे नहीं उस दिन एमपी कहा छत्तीसगढ़, तो उनकी जगह आर एस गर्ग को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। अब इसके बाद आ जाते हैं प्रमुख संस्थाओं के, है ना, चाहे चुनाव आयुक्त हो, चाहे सूचना आयुक्त हो, है ना, निर्वाचन आयुक्त हो, ये सब लोकायुक्त हो, तो इनके प्रमुख, है ना, बीएससी के चेयर, तो अन्य संस्थाओं को अन्य संस्था, है ना, निगम तो सबसे पहले हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, क्या छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन वापस से क्या पालिका विधायिका पढ़ना है, अभी तो प्रथम चल रहा है, ये जीके चल रहा है तुम्हारा, ठीक, और अभी वहां पर फिर पढ़ोगे यही चीज, मैं ऑलरेडी लिबरेट कर रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं था जीके पढ़ाना, जीके पढ़ाना मेरा काम थोड़ी, जनरल नॉलेज करना तुम्हारा काम, लेकिन फिर भी मैं जीके तुम लोगों से पढ़ा दे रहा हूँ ताकि कुछ कुछ चीजें अगर वहां छूट जाएंगी तो यहाँ पहले कवर हो जाए, ठीक, वहां पर तो ऑलरेडी पढ़ोगे तुम पूरा, अब सीएम पढ़ रहे, पहला भी पढ़ोगे, दूसरा भी पढ़ोगे, तीसरा भी पढ़ोगे, चौथा भी पढ़ोगे, ठीक, और पांचवा पढ़ोगे, अभी पांचवा वाला कौन, पांचवा सीएम, हाँ पांचवा सीएम है पद क्रम के आधार पर, तीन ठीक, तीन बार कौन बने रमन, एक बार अजीत जोगी, ये कौन सा नंबर, पांचवा, समझे, और व्यक्तिगत आधार पर तीसरे, वो सब इलेक्ट्रिशियन वहां पर चले, तो सारा पढ़ोगे, ये काम करना तुम्हारा काम है, अभी निर्वाचन है कौन है अभी, हाँ नहीं कौन पढ़ेगा उसको, खुद भी करोगे कुछ, अब सब करके चलो बोल दिया है ना, तो ये जितना है मैं बता दिया हूँ, अब कल ये वर्तमान में जो है ये तुम्हारा काम, बगल में लिख के आओगे, कल नोट्स में भी लिख के आओगे, खोज के कॉपी देखूंगा सबका, पूछूंगा, ठीक, ये से तुमको कम से कम करेक्ट मजबूत हो जाएगा, वो समाज ले रहा है ना, चल ये कर क्या ना, अभी वर्तमान से
अरे बोंधू लोग, थोड़ा मोड़ा हो समाज में रहा करो ना। सुनते नहीं हो कि मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार ने घोषणा की 5 राज्यों में चुनाव तिथियों की? नहीं सुनते हो? चुनाव वो करवाएगा कि तुम्हारा राज्य वाला कराएगा, ये धांधली नहीं हो जाएगा? अगले साल भूपेश बघेल फिर रिपीट हो जाएंगे तब तो। ऐसे में अपना ही सरकार, अपना ही आदमी फिर चुनाव करवा रहा,
अपने हिसाब से चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव कौन करवाता है? भारत निर्वाचन आयोग, समझे? ये नहीं करवाएंगे, ये क्या कर चुनाव करवाएंगे, पंचायत चुनाव करवाएंगे, समझे? वो जरूर सहायता जरूर करेंगे ये, ठीक, इन सब में चुनाव कराने में, लेकिन ये खुद नहीं कराएगा, ये विधानसभा चुनाव ये नहीं कराएगा, क्या कराएगा? पंचायत चुनाव कराएगा, नगरीय निकाय का चुनाव करवाएगा, ये कौन कराएगा? ये कराएंगे, ठीक। इसके अलावा अगर लोकसभा और राज्यसभा सांसदों का चुनाव है तो उसमें भी हेल्प करेंगे, ठीक, ये खुद नहीं कराएंगे, ध्यान रखना, क्लियर। तो एसके विजय वर्गीय आपके मुख्य सूचना आयुक्त है, एसके विजय वर्गीय, ठीक, एसके विजय वर्गीय है ना। तो किसी भी विजय को दिमाग में रखो और क्या बना दो उसको, मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक, चारी चुगली करने वाला बना दो उसको, है ना, किसको, विजय वर्गीय को, है ना, किसी विजय को उठाओ और क्या बना दो, सूचना आयुक्त, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको बना दो, किसी भी अजय को, ठीक, आसपास का कोई भी होगा दिमाग में बैठा लो उसको, बस हो गया। फिर आते हैं हम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, है ना, और आपका पीएससी चेयरमैन, ठीक, और छत्तीसगढ़ के पहले आपके क्या बोलते हैं मुख्य हाँ पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक, क्या बोलते हैं इनको, डीजीपी बोलेंगे, डीआईजी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोलते हैं, ठीक, क्या, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसके नीचे होता है आईजी, ठीक, क्या होता है, आईजी, ठीक। छत्तीसगढ़ में कितने आईजी सर्कल पता कर क्या, नहीं तो पढ़ाना तो ही है, पढ़ाऊंगा ही तुमको, ठीक, कितने आईजी सर्कल होते हैं, आईजी कितने टाइप टाइप के होते हैं, अलग अलग आईजी होते हैं, समझे, आईजी होमगार्ड, आईजी सरगुजा संभाग, आईजी बिलासपुर संभाग, समझे, आईजी रायपुर संभाग, आईजी दुर्ग संभाग, आईजी बस्तर संभाग, बस्तर संभाग में दो आईजी कर दिया है आजकल, एक आईजी उत्तर बस्तर कांकेर, यानी उत्तर बस्तर के लिए, आईजी दक्षिण बस्तर जगदलपुर, समझे, पढ़ोगे आगे न्याय पुलिस प्रणाली के पढ़ोगे, ठीक। तो छत्तीसगढ़ के पहले मानवाधिकार है ना, क्या, है ना, तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, हा? के एम अग्रवाल, कृष्ण मूर्ति, है ना, अग्रवाल, है ना, वैसे ही कुछ नाम है उनका, ठीक, कृष्ण मुरारी अग्रवाल, है ना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल। अब ये के एम अग्रवाल ना मानवाधिकार के अलावा लोकायुक्त भी रहे हैं छत्तीसगढ़ पहले, क्या, लोकायुक्त, कौन आपके, कृष्ण मुरारी अग्रवाल, ठीक, कृष्ण मुरारी अग्रवाल क्या रहे हैं, लोकायुक्त भी रहे हैं, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। पीएससी के चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट पीएससी, पीएससी चेयरमैन और पुलिस महानिदेशक डीजीपी
है ना, हेत कौन सा है, मोहन सुखी। ठीक, क्लियर। इसके बाद है गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, पवन दीवान। ठीक, संत पवन दीवान। ठीक, रामायण पाठ भागवत पाठ के लिए जाने जाते थे वो, है ना। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अलग राज्य निर्माण में भी उनका योगदान रहा है ना। पृथक जय छत्तीसगढ़ पार्टी के नाम का गठन भी किया था इन्होंने। आगे चल हो गया, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव, मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ के प्रथम कौन है, अरुण कुमार सिंह। ठीक, तो मुख्य सचिव अरुण, मुख्य सूचना विजय। ठीक, सूचना की विजय है ना, या विजय की सूचना। ठीक, विजय की सूचना देना था। ठीक, और जो निर्वाचन चुनाव कराता है तो कौन अजय रहता है, निर्वाचन है ना, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेगा मुख्य, ये एक चुनाव करवाएगा हमेशा, कभी नहीं हारते, तो इसलिए अजय। ठीक, तो निर्वाचन अजय, मुख्य सूचना आयुक्त विजय वर्गीय। ठीक, और आपके मुख्य सचिव क्या है, अरुण कुमार। ठीक, क्लियर, ध्यान रहेगा। चलो अब इसके आगे कल हम लोग देखेंगे, आज हमने क्या क्या देख लिया, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, और आपके महत्वपूर्ण आयोग और आपके संस्थाओं के क्या प्रमुख देख लिए हमने प्रथम। कल आपका होमवर्क रहेगा इन सब का प्रथम, तुम वर्तमान वाला यानी सॉरी वर्तमान वाला आप क्या करके आएंगे, नोट करके आएंगे, याद करके भी आएंगे। ठीक ठीक, चलिए इकोनॉमिक्स वाला ज्वाइन कर लो, ये यहाँ से सीजी खत्म। जी सर। ठीक, इकोनॉमिक्स का भेज रहा हूँ निकेतना।